सामने देखें आप अपनी स्क्रीन पर बड़ी खबर, रुझानों के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्या लिखा है, इम्तिहान अभी बाकी है। मतलब ये बिल्कुल इम्तिहान अभी बाकी है, अभी हौसलों का वक्त, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अभी फैसलों का, अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत के प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, ये बड़ी खबर। उन्होंने सीधे अपने कार्डर को अगर ये कहा है, उसको एड्रेस किया, ये अच्छी बात है। एक एक अभी भी इस मौके पर, लेकिन अभी आप दो चीजें देखिए निशांत, उधर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है और इधर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट भी इस समय, क्योंकि ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दिखा देते हैं क्या शंभू जी, कौन पहले ट्वीट कर रहा है और क्या कर रहा है? केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट पहले और इधर अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें ट्वीट करना जरूरी है, क्योंकि अभी अपने अभी अपने साथ बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, तो शुरू में जब दिखाया गया तब भी थोड़े से मायूस लग रहे थे, तो अपने जो सपोर्टर हैं उनका थोड़ा बहुत तो उनको नैतिक बल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मायूस आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए सिलेक्शन में, देयर इज नथिंग टू लूज बट ओनली टू गेन, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा पार्था, क्या ईवीएम्स जो है उनसे काउंटिंग शुरू हो गई है? पार्था मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है पार्था? कुछ कुछ एरिया में शायद खुलना चालू हुआ, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन से कोई ऑफिशियल कोई डेटा नहीं आया। ओके, ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। रामकृपाल सर, ये आपके सवाल का जवाब है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली नहीं बोला है कि ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन तो मैं अभी पोस्टल बैलेट के स्टैंड पर ही रहूंगा। 222 में से 75 समाजवादी पार्टी, बीजेपी 136, बीएसपी 5, कांग्रेस 3, अदर्स 3, पंजाब देखें आप 21 कांग्रेस। आप चन्नी का ये कमाल ही कहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पीछे जा रहे थे, और आम आदमी पार्टी 40। बड़ी खबर यहां पर पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे, बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, सीएम चन्नी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। और अब मुझे बल्कि अखिलेश से ज्यादा ये पूछना चाहिए सीएम चन्नी के भविष्य का क्या होगा, अगर सिद्धू हार जाते हैं तब तो क्लियर है क्या भविष्य होगा, लेकिन अगर सिद्धू भी जीतते हैं तो फिर ये बड़ा सवाल होता है और वो पंजाब में चुनाव का कांग्रेस। सिद्धू लगातार पीछे चल रहे हैं अभी तक, जो भी खबर आ रही है, और शुरुआत में कहते हैं कि एक टोन तो सेट होता ही है, तो उसमें लगातार पीछे 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 ही चल रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है आपकी, लेकिन यहां पर बीजेपी 138, टॉप ऑफ द स्क्रीन देखें आप, समाजवादी पार्टी 74, बीएसपी 4, कांग्रेस 2, अदर्स 2, बीजेपी ने सडन सर्ज लिया यहां पर 138।